हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और आपका मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नए वीडियो के बारे, नए टॉपिक के बारे में। दैट इज एसएससी की डेट्स आ गई हैं रिजल्ट की। तो आप सभी को पता है, आप सभी ने दिन भर आप ट्विटर पे लगे रहे, आप सभी ने कैंपेन किए, आप सभी ने ट्वीट्स किए। तो उस सब के फलभूत एसएससी ने रिजल्ट की डेट जारी कर दी हैं। आपने एसएससी की नींद थोड़ी सी टूट गई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है रिजल्ट की डेट। एमटीएस का जब पेपर बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, बहुत लंबे समय से उसकी डेट्स नहीं आ रही थी, उसकी डेट आ गई है। और अभी है 31/10/2020 को इसका रिजल्ट जारी होने वाला है। इसके अलावा सीजीएल 2018 टीयर 3, जिसकी डेट्स बहुत लंबे समय से नहीं आ रही थी, इसकी डेट भी आ गई है। दैट इज 4/10/2010, यानी कि 4 अक्टूबर 2010 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसका एमटीएस का रिजल्ट 31 अक्टूबर को आएगा। तो इतना आपके मेहनत करने का फ़ायदा हुआ है, आपकी मेहनत करने की, आपके ट्वीट्स करने का फ़ायदा हुआ है। 4 अक्टूबर को इसका रिजल्ट, यानी कि लगभग एक महीने बाद, और एमटीएस का रिजल्ट लगभग 2 महीने बाद जारी करने के लिए एसएससी ने कहा है, ठीक है। तो आशा करेंगे जल्दी से ये रिजल्ट जारी हो जाएंगे। और अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरे कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं। रीजनिंग का बैच आ रहा है जिसका टाइम होगा 3 to 4 PM। इसमें हम लोग डाउट्स का डिस्कशन करेंगे, यानी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, आप कुछ भी कहीं से भी आप डाउट लेके आएंगे, उसका रिजोल्यूशन आपका लाइव क्लास में होगा। इसके अलावा है कंप्लीट कोर्स ऑन वोकैबुलरी, ये आपका 11 सितंबर से शुरू हो रहा है, 4 to 5:30 इसमें क्लास होगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, ये आपका 4 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसमें आपकी सुबह क्लास होगी 8 AM to 9:30 AM। इसके अलावा रीजनिंग का बैच है, जिसमें 7 सितंबर से आपको क्लास होगी, इसमें आपको 6 to 7 PM आपकी क्लास होने वाली है। तो इन सारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आपके रिजल्ट की डेट आ गई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर इससे होगा कि हमारा प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होगा, थोड़ा जल्दी से प्रोसेस होगा, तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो तब तक के लिए रखते हैं यहीं पर, यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।